खबर सतबरवा से है, जहां सतबरवा प्रखंड फागू सिंह के घर के निकट मलई नदी पर बने बड़ा पुल के पास शमशान घाट में मृतक व्यक्ति बिंदा भुइया के शरीर को जलाने में उनके घर वालों व ग्रामीणों को कचरा के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसका विरोध में ग्राम कर्मावासियों ने सतबरवा प्रखंड विकास पदाधिकारी से जांच कर शमशान सेट बनाने के लिए जिक्र किया। वही मौके पर उपस्थित तपेश्वर भुइया ने कहा कि स्वर्गीय बिंदा भुइया ग्राम कर्मा का स्थानीय निवासी थे, जो अत्यंत गरीब व्यक्ति थे, जिनका दो बेटे हैं। एक छोटा बेटा कमलेश भुइया चेन्नई कमाने के लिए गया था, जो आगे संतुलन खोने के कारण गुम हो गया। वहीं स्वर्गीय बिंदा भुइया के दूसरे बेटा टुनटुन भुइया व स्वर्गीय बिंदा भुइया किसी तरह लेबर का काम कर घर का खर्चा चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज सेवी अशोक यादव ने कहा है कि स्वर्गीय बिंदा भुइया ग्राम कर्मा से डाल्टनगंज चैनपुर रोजी रोटी के लिए लेबर का काम करने गए थे, जहां पर छोटे बेटे के बिछड़ने को लेकर काफी टेंशन में रहते थे, जिससे बिंदा भुइया का तबियत चैनपुर काम करने के दौरान बिगड़ गई, जहां पर आनन फानन में सदर अस्पताल इलाज के लिए डाल्टनगंज भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद किसी तरह बिंदा भुइया का मृतक शरीर ग्राम कर्मा लाया गया, जहां पर उनके मृतक शरीर को दाह संस्कार के लिए कर्मा मलई नदी शमशान घाट लाया गया, जहां पर ग्रामीण जनता काफी मकसद से कचरे को साफ कर स्वर्गीय बिंदा भुइया के मृतक शरीर को जलाया। वहीं दूसरी ओर इस मुसीबत की घड़ी में समाज सेवी अशोक यादव ने मृत बिंदा भुइया के घर वालों को 50 किलोग्राम चावल देकर सहयोग करने की बातें कही। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने स्वर्गीय बिंदा भुइया के घर वालों के लिए सतबरवा प्रखंड विकास पदाधिकारी को गरीबी जांच कर जो भी सरकारी लाभ है उसे देने के लिए मांग की है। शमशान घाट के आगे देखिए जो 20 ट्रैक्टर कचरा है जो गिरा दिया है, छठ पूजा होता है हुआ भी है जो 3-4 गाड़ी गिरा दिया है। हम लोग के यहाँ लास्ट कहाँ से ला करके सब गिरा है पता नहीं है सर, हम लोग उन्हें रहते हैं तो हम लोग के पते नहीं है। मैंने हाँ होगा तो अपने प्रखंड नहीं, मेरा प्रखंड की कचरा हम लोग सर हम लोग नहीं रहता, सतबरवा प्रखंड से ही है जब जनाब प्रखंड के नहीं है, सतबरवा से हाँ जी। सतबरवा के लोगों से भी आग्रह है कि थोड़ा जो है कि इस तरीका के हरकत ना करें, क्योंकि हर इंसान को इस स्थान पे जो है कि आना है एक दिन ना एक दिन, और उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे जो फेंकते हैं कि आइंदा ना करें, जानकारी हो जाए तो इस पर अनुरोध करना चाहिए। नहीं फेंका कौन, ये चीज़ है कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर हम खाली गिरा देंगे ना तो पूरा कहाँ से कहाँ बात फैल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कब्रिस्तान में आप कहे के लिए गिराइएगा, ये कौन गया आपको पता नहीं, है नहीं सर ये तो पता रहता तब हाँ तो फिर बस कहने का मतलब उतना ही सही है कि जब पता ही नहीं है तो फिर गिराने यहाँ वहाँ नहीं। बस लोगों से आग्रह यही कहेंगे और यही सब जनता कर रहे हैं कि जिस तरीका से यहाँ पे कचरा ला करके सीसी बोतल कूड़ा कचरा ला करके आप फेंक दिए हैं, इस स्थान पे आज मेरा है कल आपका है, हर इंसान का फर्ज हम सभी का बनता है, हर हिंदू का फर्ज बनता है कि इस स्थान पे आना है, स्थान को ऐसे ऐसे स्थान को साफ सुथरा रखा जाता है, ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ जो मरे हुए व्यक्ति हैं वो अब व्यक्ति नहीं है, एक ये भगवान के समान है, क्योंकि इनका कफन में भी राम राम लिखा हुआ रहता है, और हर इंसान इन्हें कंधा पर लेकर के कंधा दे करके यहाँ पर लेकर के आते हैं, और हम सभी का दायित्व ये बनता है कि ऐसे ऐसे स्थान को साफ रखें, साफ सुथरा रखें, क्योंकि देख सोचने वाली बात है कि बोतल फेंका हुआ है, लोग यहाँ पे आए हुए हैं गम में अपने काम क्रिया में, कितना आदमी को जो है कि सीसी पैर में गड़ जाता है, परिक्रमा करने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो फेंके हैं। तो सर ये तो मालूम नहीं है कि कौन फेंका है, लेकिन कचरा जो है कपड़ा कचरा जैसे अथी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फेंका गया है हमारे भाई यहाँ पर। अरे उमेश जी बताइए, ये जो है कि कचरा उचरा फेंका हुआ है इससे क्या तो परेशानी बहुत है, तो बहुत परेशानी है, हम लोग दो दो लाश जलाए, बहुत परेशानी हो रहा है, हम लोग कोयला को उठा के पानी में डालना पड़ता है, और कहाँ हम लोग जलावे, देखे कचरा फेंक दिए हैं, किस कारण से फेंकना पड़ता है, या कचरा गंज दिया है तो क्या करें, कहाँ जलावे, क्या मांग क्या चाहते हैं आप यहाँ सतबरवा से, क्या उम्मीद लगाए हैं। देखिए शमशान घाट अगर यदि बन जाता है, सेट बन जाता है तो अच्छा, सफाई होना चाहिए। हाँ समाज से भी अशोक जी भी हैं, इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, इस बम्बार जो भी कचरा पड़ा हुआ है और आपके ही पंचायत में है कि कर्मा के हाथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस कचरा से दो और पहले लाश जल चुके हैं, जो कि बहुत कठिनाई का सामना करते हुए लाश को जलाना पड़ता है, और हमारे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज की जिसे जितने भी धरती में हम लोग जाति धर्म का हों, सबका अंतिम संस्कार या कब्रिस्तान हो या मृतघाट शमशान घाट हो,
अंतिम संस्कार यहीं होता है, अंतिम विदाई यहीं होता है। इसलिए हम अंचलाधिकारी से सबसे पहले मांग करूंगा कि इस कचरा अंबार को यहां साफ करवाया जाए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होने पर इससे बाध्य होकर हम लोग पूरे ग्रामीण प्रखंड में धरना प्रदर्शन करेंगे, और अगर उससे भी नहीं होगा तो जिला तक जाने का कार्य करेंगे। हमारे तरफ से यही मांग है कि प्रशासन विभाग से भी और अंचलाधिकारी से, अंचलाधिकारी के अंदर है, इसलिए अंचलाधिकारी से हम यही मांग करता हूं कि इसे जितना जल्द हो सके हम लोग अंतिम संस्कार जो यहां मुर्दा लाश होता है इसे सफाई करवाने का कार्य करें। अच्छा, आप ये बताने का काम करेंगे कि मतलब जो स्थान है, मतलब जहां पे आप डेड बॉडी को जला रहे हैं, उस स्थान का नाम क्या है? यहां कर्मा कोलापासी के घर के बगल में एक मलय नदी है, महुआ पेड़ के बगल में मैला नदी पुल के पास ये श्मशान घाट है। हम लोग कई वर्षों से पूर्वजों से यहाँ अंतिम दाह संस्कार करते आ रहे हैं लोग, और आज भी कर रहे हैं, लेकिन दुख यही है कि आज कचरा का अंबार लगा दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, हम लोग को लाश जलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। हर इंसान को डेट करने के बाद अशोक जी बोले कि या तो श्मशान घाट में लोगों को जाना पड़ता है, या तो दाह संस्कार के लिए आपको श्मशान घाट पर आना पड़ता है। फर्ज तो ये बनता है हम सभी का कि हम ऐसे स्थान को साफ सुथरा रखें, क्योंकि यहाँ पे गांव के लोग ही आते हैं, भारी संख्या में भी आते हैं, और लोगों को जो है कि बॉडी को जलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इनका मांग भी है अंचलाधिकारी से कि इसे जो है कि संज्ञान में मामला को लेकर के जाँच किया जाए, और जाँच करके साफ सुथरा करके यहाँ पे श्मशान सेट का जो है कि निर्माण किया जाए, है ना जी। आइए, यहाँ पे गार्जियन है, इनसे भी जानने को चीज़। मैं हूँ राजीव कुमार, अभी मैं सतबरवा प्रखंड फागु सिंह के घर के पास जस्ट मलई नदी में उपस्थित हूँ। यहाँ पे देखा जा रहा है कि कर्मा का श्मशान घाट है, और लोग आज मृतक व्यक्ति को लेकर के इस नदी में जो है कि दाह संस्कार करने के लिए आए हुए हैं, डेड बॉडी को जलाने के लिए जो है कि आए हुए हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि सतबरवा प्रखंड का मलई नदी है, थोड़ा करीब सटने का प्रयास करिए आप, मलई नदी है, और इस नदी में लोग सतबरवा प्रखंड के लोग इतने सारे कचरा ला करके फेंक दिए हैं, जिसमें जो डेड किए हैं उनके व्यक्तियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी साफ सुथरा करने के बाद डेड बॉडी को जो है कि जलाया जा रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं लोग यहां पर आए हुए हैं और लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हम कचरा दिखाने का काम करेंगे, और यहां जो मृतक व्यक्ति हैं उनके घर परिवार के, उनके अगल बगल के गाँव पड़ोसी लोग आए हुए हैं, उनसे हम जो है कि रूबरू आप सभी को करवाने का काम करेंगे। आइए चलते हैं, थोड़ा आइए कैमरामैन कचरा के पास आइए, थोड़ा कचरा को दिखाइए, और यहाँ जो उपस्थित हैं उन व्यक्तियों से बात कराएंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे साफ सुथरा करके डेड बॉडी को जो है कि मृत व्यक्ति को जो है कि डेड बॉडी को दाह संस्कार कर रहे हैं। जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पड़े हुए हैं जो डेड किए हुए हैं उनका बॉडी रखा हुआ है, और एक तरफ देख रहे हैं यहाँ पे कचरा का अंबार है, जो कि शीशी बोतल सारा कुछ ला करके लोग यहाँ पर फेंक देते हैं, जिससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा करीब ला करके और नज़दीक से दिखाएंगे ये सब कचरा, यहाँ के लोगों से जानने का हम कोशिश करेंगे क्या मांग है, क्या चाहते हैं। ये ज़्यादा दूर का लोगों का फेंका हुआ करतू नहीं है, बस ये सतबरवा प्रखंड के लोगों का ही है, और खास करके हम यही हमारा सा लग रहा है, देखिए पूरा यहाँ पर जैसे पूरा एकदम कचरा कचरा ही है, पहले ऐसा नहीं था सर। हम लोग यही चाहते हैं कि बारिश हो या कुछ हो, हम लोग श्मशान घाट बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी को हो, सभी को अधिकार होता है कि हमको करबला चाहिए तो फलन चाहिए, तो हम लोग को श्मशान घाट चाहिए सर। हम यही कहना चाहते हैं कि कचरा हटावें और ये बना देवें, श्मशान घाट बनावें। ग्रामीणों का मांग है श्मशान घाट, और लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि इस तरीका के कचरा जो है कि ना फेंके। जी हाँ सर, बंद करिए। आज इस कचरा को देखते हुए आज हम लोग जितने भी कर्मा गांव के जो भी ग्रामीण जनता, जो भी हम लोग हिंदू समाज के जो आए हुए हैं, बहुत कष्ट हो रहा है कि आज हम लोग लाश को अंतिम दाह संस्कार करने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है कि जो कि आप सामने खुद देख रहे हैं। इसमें कहीं कोई मतलब कोई बनौटी नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है कि क्या हाल है, वो तो कैमरामैन हो चाहे आप मीडिया लोग हैं, जो सामाजिक काम है और सामाजिक काम के लिए आप उठाए हुए हैं आवाज, और इस तरीका का किसी को करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिएगा। जो भी किया है तो बहुत गलत किया है, और सबसे पहले हमको ये चीज़ का दुख है कि जो हमारे
श्मशान घाट का, जो कि सुनते हैं कि लोग मालबंधी लोग का पकड़वा लिए हैं यहाँ का, जो और जो कि जो स्थान श्मशान घाट है उसका मालबंदी भी हो गया। उच्च अधिकारी से मेरा अनुरोध है, यहाँ की जनता का अनुरोध है कि इस मामला को संज्ञान में लेकर जांच किया जाए और इसे जो है कि निरस्त किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी वन इंडिया न्यूज से राजीव कुमार सोनी, जय हिंद जय भारत। श्मशान घाट किसी को नहीं होता है, सार्वजनिक सभी वर्ग के लिए होता है जी। जिसमें लोग मान लीजिए कि अगर आज इसका लोग आज कल गए तो अभी लोग कहता है कि मैंने अगर इसमें माल बनवा लिए हैं तो बहुत विवाद की जड़ है। कल भी आने वाला समय में अगर हमारी समाज किसी तरह से अगर ये बात को अगर नहीं उठाते हैं, अगर इस चीज़ को आप लोग को नहीं देखते हैं, अगर नहीं बोलते हैं, तो कल गले हो सकता है किसी तरह से आज तो कचरा बिग रहा है, कल तो यहाँ खेती कर रहा है, कल हो सकता है कि हम लोग किसी यहाँ से हटा के भगा भी। इसलिए आप लोग के मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कर्मा गाँव में जो हमारे समाज के लोग के तरह जो अन्याय हो रहा है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। इसपे वीडियो साहब चाहे सीओ साहब चाहे थाना जो भी हो आके इसका निराकरण देखें और हमारी जो हम लोग को जो मांग है मांग को हम लोग पूर्ति करें। अब सबसे पहले खास करके मेरा ये कहना है कि बाहरी मेरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय, बाहरी मेरा भारतीय जनता पार्टी के हमारा विधायक महोदय है ना, जबकि लगातार बराबर पूर्वजों से सांसद महोदय हम लोग का बीजेपी से जीत के जा रहे हैं, बल्कि हमारे समाज को दिखा नहीं जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि जैसे भी हो हमारे आज हमारे इस जगह पर अगर श्मशान घाट अगर दे देंगे तो बताएं हम लोग को बहुत सुविधा होगा, हम लोग का एक बड़ा भी हो जाएगा रहने के लिए। अभी देखिए मौसम है बारिश का, अब बताइए हम लोग लाश को भी नहीं छुपा सकते हैं ना, हम लोग कहीं रुक छुप सकते हैं तो सबसे व्यवस्था में तो बहुत कमी है यहाँ पे। और जिस तरीका से जनप्रतिनिधि लोग हैं आश्वासन देते हैं लोगों को कि हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मगर उस तरीका से कुछ होता नहीं है, जिसमें जनता जो है कि काफ़ी मायूस हो जाते हैं। और साथ ही जो है कि व्यवस्था ना होने के बावजूद भी ऊपर से प्रॉब्लम जो है कि व्यवस्था जो है कि प्रॉब्लम जो है कि बढ़ा दिया जाता है ग्रामीणों के द्वारा, जो कि कचरा देख रहे हैं लगा हुआ है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये जो मालबंदी के जो मामला है इस मामला का हम लोग का जल्दी से निर्णय कर दिया जाए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाला दिन में यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो आज तो ये गति देख रहे हैं कल क्या होगा से कहना मुश्किल है। हाँ जो कि हाँ उसके जाँच जो कि कागज हर तरह लगाया गया है ना, जो कि थाना भी दिया गया था कागज, ब्लॉक में भी दिया गया है कागज, इसमें आगे चला गया। बाकी ये तो अंचल का चीज़ है, देखने का चीज़ है। उस समय भी हम लोग आके बताए थे, बहुत पहले ही चीज़ को बताए थे कि हमारे श्मशान घाट या श्मशान घाट में किसी तरह से किसी को मलबंदी वगैरह नहीं होना चाहिए। कर्मचारी समय उस समय सुनने में आता है कि दयानंद बाबू थे, दयानंद ही बाबू का अध्ययन है कि आज तरह से हम लोग के जो आज विवाद खड़ा करके चले गए। इस तरीका से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कि मतलब विवाद खड़ा करके खुद से जो है कि चल रहा है कि कर्मा का श्मशान घाट है यहाँ पे डेढ़। सतबरवा से राजीव सोनी की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज।